आज की वीडियो में हम आपको जीपोर्ट 200 एमजी टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको जीपोर्ट 200 एमजी टैबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो जीपोर्ट 200 एमजी टैबलेट, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 165 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और ये 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। इसकी जो मार्केट प्राइस है समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको FDC लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें सिफोडाक्सिम होता है जो कि प्रत्येक टैबलेट में 200 mg होता है। और आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। जीपोर्ट 200 mg टैबलेट का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है। तो सिफोडाक्सिम जो कि एक एंटीबायोटिक है, यह सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसके यूजेज की बात करें तो इसका इस्तेमाल RTI यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। वायनल या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, खांसी आ रही हो, गले में खराश हो, गले में दर्द या सूजन हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कान के मध्य भाग में दर्द या सूजन हो, फुंसी हो गई हो, कान से पानी निकल रहा हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, आँख से पानी आ रहा हो, आँखें लाल हो गई हो, या आँखों में जलन या चुभन हो रहा हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब से संबंधित समस्याएं, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब होना, या पेशाब करते समय दर्द महसूस होना, या पेशाब नली में इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन हो गया हो तो उसे भी ठीक करने के लिए किया जाता है। PID यानी कि पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोनोरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हड्डियों या दांतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे भी ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, दाने निकल गए हो, फुंसी हो गई हो, त्वचा में सूजन या लालीपन हो गया हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इसके मुख्य यूजेज हैं। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। जीपोर्ट 200 mg टैबलेट को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस टैबलेट का जो नॉर्मल डोज होता है एक एडल्ट व्यक्ति के लिए, वो एक गोली सुबह और एक गोली शाम इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और समस्या के ऊपर निर्भर करता है कितने दिन इस्तेमाल करना है। तो डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में कहें उतनी ही मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं जीपोर्ट 200 mg टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट, जी मचलाना, उल्टी होना, इसके अलावा सर दर्द होना, इसके अलावा दस्त हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, आलस आना, भूख में कमी होना, तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में खुजली हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, लाल चकत्ते हो सकते हैं, तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी जीपोर्ट 200 mg टैबलेट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।